आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। हमारी आपसे गारंटी है कि आपने यदि ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं बचेगा। इस क्वेश्चन में बच्चों को डाउट बहुत रहता एंड टीचर इसे उल्टा सीधा करा देते हैं जिससे कि बच्चों को बहुत डाउट आते हैं। तो देखिए हम इसे शुरू करते हैं। ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा एक मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, ये हम आपको शुरू में ही बता देते हैं। एंड मॉडुलस फंक्शन को कभी भी इसी तरीके से आप यूज नहीं कर सकते, उसे आपको पहले ओपन करना होता है। ओपन करने के कैसे करते हैं तो देखिए हम करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में, ये दो कंडीशंस में ओपन होता है। देखिए एक्स माइनस वन इफ एक्स इज मोर देन और इक्वल टू वन। देखिए इसका मतलब क्या है, ये हमने ऐसा क्यों लिखा, ये हमने ऐसा इसलिए लिखा, मान लीजिए आप यहाँ समझिए। देखिए एक्स माइनस वन हमने लिखा है यदि एक्स आपका वन से बड़ा हो या वन हो, मान लीजिए वन ही हो तो यहाँ क्या आएगा आपका जीरो आ जाएगा। जीरो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव आंसर देना है। मान लीजिए ये माइनस सेवन है, आपने यहाँ मॉडुलस लगा दिया तो इसका मतलब है यह ऐसा कुछ है, थ्री माइनस फोर है मोड के अंदर, तो यह आया आपका सोल्व करके आपका कितना आया माइनस वन। एंड यदि इस पर मोड लगा हुआ तो प्लस वन हो जाएगा, यानी मोड का मतलब होता है आपको प्लस देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एक्स माइनस वन इफ एक्स इज मोर देन और इक्वल टू वन। देखिए मान लीजिए एक्स की जगह वन ही हो तो वन माइनस वन जीरो, तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू, मान लीजिए वन से बड़ा हो एक्स यानी कि टू भी हो सकता है, तो टू माइनस वन आपका वन आ गया, थ्री माइनस वन आपका टू आ गया, तो सारी की कैसी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन का यहाँ पर उद्देश्य सही हो रहा है, क्योंकि उसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू देना, पॉजिटिव ही आ रही है हमें ऐसे डालने हैं, तो ठीक है। यहाँ प्रैक्टिस करेंगे ना मॉडुलस फंक्शन को खोलने की, तो आप आसानी से खोल पाएंगे। यदि आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए मॉडुलस फंक्शन के लिए, वैसे ही 11th में आपको डीपली पढ़ाया जाता, लेकिन यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड देखिए सेकेंड नंबर पे एक्स माइनस वन, हमने ये माइनस क्यों लगाया हम आपको यदि अभी बताते हैं। बिल्कुल एक्स यदि आपका वन से छोटा हो तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये मोड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो आपका पॉजिटिव आना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। तो आप देखिए मान लीजिए एक्स यहाँ पे लिखा गया वन से छोटा हो, तो वन से छोटा जैसे मान लीजिए 0.9, यहाँ रखिए 0.9 माइनस वन इक्वल टू में, तो क्या है आपका इसमें से सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 0.1 आ गया, तो निगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले से माइनस लगा दिया है यहाँ, जिससे कि ये ब्रैकेट है मान लीजिए जो माइनस वन आया इसके बाहर यदि एक और माइनस होगा तो ये आपका प्लस का 0.1 हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे, जैसे एक और एग्जाम्पल 3 माइनस मतलब वन से छोटा लेना, तो माइनस 3 माइनस वन, यहाँ हमने एक और माइनस लगा दिया है, जैसे मान लीजिए ये माइनस ना होता तो क्या आता आपका माइनस के 4, यदि हम यहाँ माइनस लगा दें ठीक है तो क्या आ रहा है आपका माइनस पहले से एंड माइनस के 4 अंदर, तो ये क्या वैल्यू आ रही है आपकी, आपकी पॉजिटिव 4 आ रही है। आई होप आप समझ पाए होंगे, तो देखिए इस तरीके से हमें इसे सोल्व करना, तो देखिए तो इसलिए हमने ये लिया क्योंकि इस तरीके से हमें इसे मॉडुलस फंक्शन को खोलना आना चाहिए, ठीक है। हमने आपको और डीपली समझा दिया है, अब देखिए हम आगे कैसे करेंगे। पहले हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसमें हम कैसे करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, हमें कितने पर चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू वन पर चेक करना है ना, तो यहाँ लिख देंगे एट एक्स इक्वल टू वन पर लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन निगेटिव, लेफ्ट हैंड में आपका निगेटिव होता है ना। अब आप देखिए वन निगेटिव यानी वन से छोटी वैल्यू, तो वन से छोटी के लिए आप कौन सा फंक्शन लेंगे, वन से बड़ी के लिए तो ये वाला लेंगे, वन से छोटी के लिए आप ये वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ले लीजिए माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब यदि आप इसे और सिंप्लीफाई कर लें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन निगेटिव, ये माइनस अंदर भेज दीजिए, माइनस एक्स की प्लस वन हो गया, ठीक है। अब आप देखिए अब हम यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो आपकी बुक में गिवन है, बुक में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसा आया, देखिए आपका जो सही फॉर्मूला होता है वो होता है
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है, तो वो होता है आपका लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो फंक्शन ऑफ a माइनस एच माइनस में फंक्शन ऑफ a। ये क्या है आपका जो जिस पर आप चेक कर रहे हैं, यानी आपके लिमिट n अपॉन होता है माइनस एच, ये आपका बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला यूज करना। अब आप देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, फंक्शन में जहां जहां x हो a माइनस एच, यानी कि a की जगह यहाँ पर आपका बने, तो जहां पे फंक्शन में x है वहां पे 1 माइनस एच पुट कर दीजिए। तो फंक्शन में x है, x की जगह आपको पुट करना a माइनस एच, a की जगह आपका 1 है तो माइनस एच, ठीक है, x की जगह आपने 1 माइनस एच पुट करा एंड ये प्लस 1 है जी, ठीक है, माइनस में फंक्शन ऑफ a, यानी जहां पे फंक्शन में x है वहां पे आप क्या पुट करेंगे, जो लिमिट है यानी 1 ये वाली, तो माइनस ये फॉर्मूले का एज इट इज अंदर, ये जो माइनस एक्स है यहाँ पे माइनस एज इट इज, एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे ए, ए की मतलब 1 एंड प्लस में 1 वो वाला एज इट इज, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। देखिए अब अपॉन में माइनस एज एज, बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है तो इसलिए हम इसे डीपली समझा रहे हैं। देखिए यहाँ से आपका क्या आएगा, माइनस वन ये अंदर मल्टीप्लाई हो गई प्लस के एच, प्लस का वन आपका ये वाला है, ठीक है, एंड माइनस के यहाँ पर ये माइनस प्लस वन माइनस वन जीरो हो गया, तो इतनी टर्म तो आपकी खत्म, अपॉन में माइनस एच है, तो देखिए इससे ये खत्म, तो आपका बचा एच अपॉन में माइनस एच, ये क्या हो गया आपका एच अपॉन माइनस एच, आपका क्या हो गया माइनस के वन आ गया। तो देखिए हमने कुछ नहीं करा यहाँ तक, हमने करा फिर उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, जहां जहां एक्स है हो आपको ए माइनस एच यानी वन माइनस एच पुट करना हमने करा, बाकी सब ऐसे माइनस में जहां एक्स है वहां आपको ए पुट करना है, ये क्या है आपका वन जिस पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस एज इट इज एंड एक्स की आपने वन पुट कर दिया प्लस वन एज इट इज, इससे खत्म, इस तरीके से माइनस वन आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव तो ये होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव, है ना, एंड वन पॉजिटिव का मतलब है वन से बड़ा। अब वन से बड़े के लिए आप यहाँ से देखिए कौन सी वैल्यू लेंगे, तो ये वाली लेंगे ना, ये वाला फंक्शन लेंगे वन से बड़ा, तो यानी ये वाला फंक्शन एक्स माइनस वन, तो फंक्शन आपने लिया एक्स माइनस वन, ठीक है। अब आप वही फॉर्मूला लगाएंगे राइट हैंड डेरिवेटिव का, वो क्या होता है वो भी हम लिख देते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू आपका होता है जीरो, ठीक है, एंड यहाँ पे जो आप लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस में एच, ठीक है, माइनस में एफ ऑफ ए, ठीक है, एंड यहाँ आपका होता है प्लस का एच। आई होप आप समझ पाए होंगे। देख लीजिए यहाँ पे माइनस एच था, यहाँ पे प्लस एच है, ए माइनस एच है, यहाँ पे ए प्लस एच है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, जहां पर x है वहां पर a प्लस एच, ए क्या है जहां चेक कर रहे हैं यानी वन प्लस एच पुट कर देंगे जहां पर x है। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, x की जगह पुट करेंगे a, इसका मतलब है x की जगह आपको पुट करना है a प्लस एच मतलब वन प्लस एच, क्योंकि a क्या है आपका इस केस में वन है, ठीक है। तो देखिए जहां पर x है वहां पर वन प्लस एच पुट किया एंड माइनस वन एज इट इज माइनस में फंक्शन में जहां पर आपका एक्स है वहां लिमिट पुट कर दीजिए जो आपकी पहले थी यानी वन, तो यहां पर आप वन पुट कर दीजिए वन माइनस वन, ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले का है, यहां पर वन पुट करा तो वन माइनस वन ये एज इट इज अपॉन में एच इक्वल टू में, देखिए आपका क्या आया इसे सॉल्व करके, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म आपका, तो ये आपका बचा एच अपॉन में एच, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका वन, एंड आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था माइनस वन, ये आपका आया प्लस वन, तो हम कह देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट
एक्स इक्वल टू वन। तो इस तरीके से हमने आपको एक क्वेश्चन का पूरा प्रोसीजर समझाया एंड हमारी गारंटी है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में थोड़ा बहुत नहीं आया तो आप उस स्टेप को दोबारा से वीडियो में जला के देख लीजिए, ठीक है। ये आपका मॉडुलस फंक्शन गिवन था, ठीक है, उसे खोलने का तरीका हमने आपको बताया। यदि आपको इसमें दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कैसे खोलते हैं, हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे। तो इस तरीके से खोला, माइनस वन पे कौन सा फंक्शन लेंगे, वन माइनस में यानी छोटी, एक्स की वैल्यू वन से छोटी, तो ये लिया। ऐसे ऐसे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया एंड ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव में हमें ये वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन आपका आपको समझाया। थैंक्स।